أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My dear students, may Almighty Allah bless you all. Myself, Ma'am Zareen, teacher in charge of mathematics. I welcome you all in my presentation. Today, the topic I am going to teach you is division by a three-digit number. Dear students, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको डिविजन सिखाऊंगी कि हम डिवाइड कैसे करते हैं किसी नंबर को बाय थ्री डिजिट नंबर. सो इसके लिए मैंने दो नंबर्स लिए हैं. फर्स्ट वन इज 63,294 विच वी आर गोइंग टू डिवाइड एंड द नंबर we are going to divide is called as dividend and the number by which we are going to divide is a three digit number we call it as divisor so yahan pe hum pehle dividend ko box ke andar likhte hain aur divisor ko box ke bahar likhte hain fir iske baad jo agla step hai 122 का मल्टीप्लिकेशन टेबल 122 को हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि हाउ टू परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे 122 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द रिज़ल्ट एज द नंबर इट सेल्फ. ना अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 आता है. फिर से 2 2 आर 4 2 1 आर 2 सो 122 2 आर 244. लाइक वाइज 3 2 आर 6 3 2 आर 6 3 1 आर 3 सो 122 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 366. 4 2 आर 8 4 2 आर 8 4 1 आर 4. 122 multiplied by 4 is equal to 488. After then, 122 multiplied by 5 is equal to 610. 5 2 are 10, 5 2 are 10 plus 1, 11. 1 लिखेंगे 6, 1 carry 5 1 are 5 plus 1, 6. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम 122 का multiplication table लिखते हैं. अब यहाँ पे बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन आप इसी तरह कर सकते हो. अब यहाँ पे हमें जाना है अपने डिविडेंड की ओर जो कि 63294 है. अब यहाँ से हमें डिवाइड करना है बाय थ्री डिजिट नंबर. सो यहाँ से भी हम तीन डिजिट इसी लेते हैं, पहले तीन डिजिट को डिवाइड करते हैं. अगर तीन डिजिट्स कम पड़ते हैं, वो बराबर नहीं है, तीन डिजिट्स डिवाइज़र से छोटे हैं, तब हमें फोर डिजिट्स को पहले डिवाइड करना है. लेकिन यहाँ पे जो हमारा 632 है इट इज़ ग्रेटर दैन 122 सो वी कैन डिवाइड इट. यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल में 632 122 5 और 610 कम है 632 से. 122 6 और 732 हमें नंबर यहाँ पे ढूंढना है या तो 632 के बराबर. अगर 632 के बराबर नहीं आएगा तो उससे थोड़ा छोटा. यहाँ पे इसको 126 6 और 732 आता है जो कि बड़ा है. तो एक स्टेप नीचे जाएंगे 610 तो 122 5 और लिखेंगे 610. आफ्टर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 610 फ्रॉम 632. पहले 2 को माइनस करेंगे 0 दैट इज़ 2. 3 को 1 माइनस करते हैं दैट इज़ ऑल्सो 2. 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. अब इसके बाद हमें 9 को नीचे लाना है. अब हमारा नया नंबर जो है दैट इज़ 229. नाउ वी हैव टू डिवाइड 229 बाई 122. फिर से यही करना है,
फिर से हमें देखना है 122 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 229, 122 टू आर 244 जो कि बड़ा है 229 से, एक स्टेप नीचे जाते हैं 122 तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 1 और नीचे 122। फिर से हमें माइनस करना है 9 माइनस 2 पहले 7, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 4 नीचे लाएंगे, अब नया नंबर जो है वो है 1074, यहाँ पे माइनस नहीं है। 1074 हमारा अगला नंबर है। फिर से 122 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखेंगे 9 आ रहा है 1098 जो कि 1074 से बड़ा है, एक स्टेप नीचे जाएंगे 122 8 और दैट इज़ 976, ऊपर 8 लिखना है और 976 को नीचे। फिर माइनस करते हैं 1074 को 976, वो आता है 98। अब यहाँ पे आपने देखा आफ्टर डिवाइडिंग 63,294 वी गेट 518 एज अ कोशेंट एंड 98 एज अ रिमाइंडर। यहाँ पे हमने जब 63,294 को डिवाइड किया 122 से, वी गेट 518 एज अ कोशेंट एंड 98 एज अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम अगले स्टेप में चेक करेंगे अपने इस डिवीजन प्रोसेस को कैसे करते हैं। जब हमने डिवाइड किया 63,294 को 122 से, तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज़ 118 एंड रिमाइंडर जो है दैट इज़ 98। पहले ही मैंने कहा था आपको जो डिविडेंड है चेक करने के लिए, डिविडेंड होता है डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर। हमारा जो डिवाइज़र था दैट इज़ 122 और हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज़ 518। पहले जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 को मैंने 2 के साथ, 8 टू आर 16, 1 कैरी, 8 टू आर 16 प्लस 1 17, 7 लिखा 1 कैरी, यहाँ पे 8 1 और 8 प्लस 1 9। अब इसके बाद अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हमें पहले 1 के साथ पहले डिजिट के नीचे क्रॉस डालना है 1 2 और क्रॉस है 0 डाल सकते हो 1 2 और 2 1 2 और 2 1 1 और 1। इसी तरह थर्ड स्टेप में हमें 100 प्लेस पे, क्योंकि यहाँ से हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो तीसरी लाइन में इसका आंसर लिखना है और तीसरे डिजिट के नीचे 5 2 और 10 0 लिखते हैं 1 कैरी, 5 2 और 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 5 1 और 5 प्लस 1 6। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इनको, यहाँ पे 6 नीचे 63196, 6 को ऐड करेंगे 6 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, 9 10 11 1 लिखेंगे 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 6 यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं। अब जब कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 122 और 518 को, दैट इज़ 63,196। अगले स्टेप में हम प्लस करेंगे इसको 98, आफ्टर एडिंग 98 टू 63,196 वी गेट 63,294, दैट इज़ आवर डिविडेंड। तो हमारा जो डिविडेंड था दैट इज़ इक्वल टू 63,294। तो हमारा जो डिवीजन था वो हमने ठीक किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।